भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूरे देश में देश बचाओ अभियान के अंतर्गत हमीरपुर के गांधी चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। बारिश के बावजूद गांधी चौक पर एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना गुबार निकाला। सीटू राज्य सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में आयोजित धरना प्रदर्शन में किसान सभा, SFI, नौजवान सभा व महिला समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी विकराल रूप धारण करती जा रही है और केंद्र सरकार ऐसे समय में देश को बचाने पर तुली हुई है, जिसको देखते हुए देश बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। देश में 9 अगस्त का कौन था किसानों, मजदूर संगठनों, छात्रों, नौजवानों की ओर देश बचाओ के नारे को लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन किए जाएं। आज क्योंकि 9 अगस्त को संडे था, इस करके हमने हमीरपुर में 10 अगस्त को एक कार्यक्रम रखा है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में मोदी सरकार जो है, एक तो कोरोना का कहर है, महामारी का, और दूसरी तरफ जो है मोदी सरकार का कहर जारी है। आज मोदी सरकार देश के सारे संसाधनों को बेच रही है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों को भारत छोड़ो। आज हम नारा दे रहे हैं कि देश की सरकार एक गद्दी छोड़ो, देश बचाओ, देश को, भारत को बचाओ। क्यों? आज ये सरकार जो है बिजली का निजीकरण कर रही है, पूरे दुनिया में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया और आज हिंदुस्तान में सबसे महंगा जो है पेट्रोल डीजल हो गया। आज रेलवे को बेचने का सरकार ने मन बना लिया है, कोयला खदानों को बेचने का सरकार ने प्रोसेस शुरू कर दिया है, और इसके साथ साथ देश के तमाम जो सरकारी क्षेत्र हैं, रक्षा के जो हमारे उपकरण बनाते थे, औजार बनाते थे, टैंक बनाते थे, बताड़ी कारखाने, उनको सरकार बेच रही है, बंदरगाहों को बेच रही है, आपके तमाम जो देश का बैंक है, बीमा है, उसका निजीकरण कर रही है। और अभी सरकार ने 3 अध्यादेश किसानों के बारे में लाए। एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अब वो कॉन्सेप्ट सरकार खत्म कर रही है। हमको समर्थन मूल्य नहीं करेंगे, कंपनियाँ जिस भाव मर्जी खरीदें। दूसरा, सरकार ने तय कर लिया है कि जो कुछ ज़रूरी सामान और चीज़ें होती थी, आटा, चावल, दाल, ये सारा एक सीमा से आगे आप इसका भंडारण नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते थे। सरकार ने बड़ी कंपनियों को खुला छूट दे दिया, चाहे जितना मर्जी स्टोर करो, इससे होगा पूरे देश में अनाज का किल्लत हो जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां मालोमाल हो जाएंगी और मजदूर जो है और गरीब आदमी जो है तड़पने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए आज पूरे देश में ये आज भारत बचाओ मोदी भगाओ ये नारा जो है देश के अंदर जो मजदूर और किसान लगा रहे हैं, पूरे मजदूरों और किसानों का हालत खराब है। मजदूरों से संबंधित सारे कानून बदल दिए, 12 घंटे का ड्यूटी कर दिया, पक्के किस्म के रोजगार खत्म कर दिए और सारी जगह जो है ये सारा ठेका सिस्टम कर शुरू कर दिया सारी जगह। और हम ये मानते हैं कि अगर ये सरकार सत्ता में रहेगी तो ये सरकार देश को कंगाल करके जाएगी। अंग्रेजों ने भी नहीं चूसा होगा, जितना अदानी, अंबानी और बड़ी कंपनियां विदेशी कंपनियों को ला रहे हैं। अभी आप देखो, गूगल के साथ एग्रीमेंट कर दिया, सारा पैसा जो जियो के पास जो है वो गूगल को जाएगा, गूगल मतलब अमेरिका को जाएगा। तो आज पूरे देश को अमेरिका के हवाले कर दिया गया है, पूरे देश को लुटाया जा रहा है। और इसलिए हम लोग जो है आज पूरे देश में कह रहे हैं कि भारत बचाओ मोदी भगाओ। अगर ये देश में शासन करता रहा तो देश में झूठे नारे देकर जो है देश को गुमराह करता रहेगा। कभी थाली बजाओ, कभी ताली बजाओ, कभी दीपक जलाओ, कभी कुछ जलाओ, देश के लोगों को गुमराह करता रहेगा और देश के लोगों पर हमला जो है बरकरार जारी रहेगा। इसलिए जो है आज ये धरना प्रदर्शन है और आगे भी सरकार जो है अगर इन नीतियों से पीछे नहीं हटेगी तो ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आने वाले समय के अंदर भी हम इसको जारी रखेंगे, इस आंदोलन। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि देश बचाओ अभियान के तहत लोगों को केंद्र सरकार की गलत नीतियों से अवगत करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी देश में बढ़ते पेट्रोल, डीजल, बिजली के दामों का विरोध करती है और सरकार के सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि देश को बचाने के लिए मोदी सरकार को हटना होगा। ट्रेड यूनियन है, आज किसान सभा के भी कुछ लोग हैं और जनवादी नौजवान सभा के SFI के लोग हैं। इस तरह से तमाम लोग जो है आज संयुक्त रूप से जो है
भारी बारिश के बावजूद भी जो है आज इस धरना प्रदर्शन को कामयाब किए हैं। हालांकि बारिश की वजह से लोग जितनी संख्या में आ सकते थे वो कम आए हैं और ट्रांसपोर्टेशन का कमी है, बसें चल नहीं रही हैं, उसके बावजूद भी लोग बस में पहुंचे तो इसका मतलब ये है कि लोगों को परेशानी है। आज हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, बसों के किराए बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ गए, पानी के रेट बढ़ गए और तमाम चीज़ें जो है, आपका सरिया बढ़ गया, आपका ईंट का दाम बढ़ गया, लोगों के लिए निर्माण मजदूरों के लिए काम करना मुश्किल हो गया और आम जनता के लिए भी अब जो है वो निर्माण के काम करना मुश्किल हो गया। इस तरह से सरकार जो है हर वर्ग पर हमला कर रही है, हर तबके पर हमला कर रही है। इसलिए जो है ये नारा जो देश में दिया गया है, भारत बचाओ, तो हम तो ये कह रहे हैं कि मोदी भगाओ जितना जल्दी हो सकता है, नहीं तो देश गुलामी की तरफ को जाएगा, अमेरिका की गोद में पहले बिठा दिया देश को। तो इसलिए आज का ये धरना कार्यक्रम इसी नज़रिए से किया गया है, आगे भी इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा।